हेलो एवरीवन और आज का हमारा चैप्टर है रिक्की टिकी तवी बाय रूड किपलिंग और आज हम करने वाले हैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट्स रिकी टिकी तवी रिकी टिकी तवी किस तरह का एनिमल था ऑप्शन ए अ कैट ऑप्शन बी अ मक्स रेड ऑप्शन सी अजल ऑप्शन डी मंगूस तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगूस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हाउ डज रिकी टिकी लीव हिज होम रिकी टिबी टिकी ने अपने घर को कैसे छोड़ा ऑप्शन नंबर ए ही गेट्स लॉस्ट वाइल्ड वॉन्डरिंग ऑप्शन नंबर बी फ्लड वास्ट हिम आउट ऑप्शन नंबर सी ही इज बोर्ड विथ फैमिली लाइफ एंड ऑप्शन नंबर डी अ स्नेक अटैक हिम तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ फ्लड फ्लस्ट हिम आउट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर वॉज रिकी टिकी वैन ही वो कप जब रिकी टिकी उठा तो वो कहाँ था ऑप्शन नंबर ए अ रॉड साइड डिच ऑप्शन नंबर बी ऑन द गार्डन पाथ ऑप्शन नंबर सी ऑन अ माउंटेन ऑप्शन नंबर डी ऑन द सोर ऑफ रिवर तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑन द गार्डन पाथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हु वॉज अ स्मॉल बॉय इन दिस स्टोरी इस स्टोरी में स्मॉल बॉय कौन है उसका नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए रिकी ऑप्शन नंबर बी डाजी ऑप्शन नंबर सी नाग ऑप्शन नंबर डी टेडी तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेडी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हेन टेडी फर्स्ट सी रिकी टिकी तवी व्हाट डज ही वांट टू डू जब फर्स्ट टाइम टेडी ने रिकी टिकी को देखा तो उसे क्या करना चाहता था ऑप्शन ए थ्रो हिम इन वाटर ऑप्शन बी गिव हिम अ फ्यूनरल ऑप्शन सी गिव हिम हग ऑप्शन नंबर डी टेक हिम टू द फॉरेस्ट तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ फिनरल मतलब उसे दफना देना चाहता था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट वाज द नेम ऑफ टेडीज मदर टेडी की मम्मी का नाम क्या था मदर का नाम क्या था ऑप्शन नंबर ए नगीना ऑप्शन नंबर बी डाजी ऑप्शन नंबर सी अलाइस ऑप्शन नंबर डी रिकी तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन डोंट बी फ्राइट एंड टेडी हु सेट दिस इस वर्ड्स को किसने कहा ऑप्शन नंबर ए मदर ऑप्शन नंबर बी डाजी ऑप्शन नंबर सी फादर ऑप्शन नंबर डी रिकी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फादर ये वर्ड्स फादर ने कहे थे टेडी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द टेलर बर्ड्स नेम टेलर बर्ड के नाम क्या थे या नाम क्या था इस स्टोरी में ऑप्शन नंबर ए रिकी ऑप्शन नंबर बी नगीना ऑप्शन नंबर सी डार्जी ऑप्शन नंबर डी टेडी तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डार्जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वाई वॉज डार्जी ऑफसेट विथ नाग क्यों डार्जी नाग से परेशान थी ऑप्शन नंबर ए नाग स्प्रेड रूमर्स अबाउट डार्जी उनके बारे में बुरी बातें फैला रहा था रूमर्स फैलाना ऑप्शन नंबर बी नाग वॉज रूट टू डार्जी ऑप्शन नंबर सी नाग एट वन ऑफ डारजीज बेबी एंड ऑप्शन नंबर डी नाग एट डार्जिस डिनर तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाग एट वन ऑफ डार्जिस बेबी डार्जी की एक बेबी को नाग ने खा लिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन हु इज नाग नाग कौन है इस स्टोरी में ऑप्शन नंबर ए अ फास्ट रेटल स्नैक ऑप्शन नंबर बी अ लार्ज एनाकोंडा ऑप्शन नंबर सी अ फैट पाइथन ऑप्शन नंबर डी अ बिग ब्लैक कोबरा तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अ बिग ब्लैक कोबरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज नाग्स विग्ड वाइफ नाग की विग्ड वाइफ कौन थी ऑप्शन नंबर ए अलाइस ऑप्शन नंबर बी नगीना ऑप्शन नंबर सी डार्जी ऑप्शन नंबर डी तवी तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नगीना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रॉम वेयर डिड द नाग एंटर द हाउस नाग कहां से घर के अंदर घुसा ऑप्शन नंबर ए थ्रू द गेट ऑप्शन नंबर बी थ्रू द पाइपलाइन ऑप्शन नंबर सी थ्रू द विंडो ऑप्शन नंबर डी थ्रू द ट्रेन तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्रू द ट्रेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कौस्ट नंबर थर्टीन वेयर वाज द नाग वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार में नाक कहाँ वेट कर रहा था ऑप्शन नंबर ए बॉटम ऑफ द बाथटब ऑप्शन नंबर बी बॉटम ऑफ द वाटर जार ऑप्शन नंबर सी बॉटम ऑफ द बैड पोस्ट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एव तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉटम ऑफ द वाटर जार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन होम डिड रिकी टिकी तवी अटैक इन द बाथरूम बाथरूम के अंदर रिकी टी टिकी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया हमला कर दिया ऑप्शन नंबर ए डार्जी द टेलर बर्ड ऑप्शन नंबर बी नाग द मेल किंग कोबरा ऑप्शन नंबर सी नगीना द फीमेल किंग कोबरा ऑप्शन नंबर डी करेट लिटिल स्नेकलिंग तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाग द मेल कोबरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन शॉट द नाग जस्ट बिहाइंड द हुड किसने नाग के ठीक पीछे गोली मारी ऑप्शन नंबर ए अलाइस ऑप्शन नंबर बी रिकी ऑप्शन नंबर सी बिग मैन एंड ऑप्शन नंबर डी टेडी. हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिग मैन तो इस स्टोरी में टेडी के फादर को नाग और नगीना आपस में जब बात कर रहे थे तो उसे बिग मैन कहा था इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिग मैन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस ये स्टोरी कहाँ घट रही थी ये सारी कहानी कहाँ की थी ऑप्शन नंबर ए एट द व्हाइट हाउस ऑप्शन नंबर बी एट द रॉयल हाउस ऑप्शन नंबर सी एट अ बंगलो ऑप्शन नंबर डी इन द फॉरेस्ट तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एट अ बंगलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाउ डज़ रिकी मीट टेडी एंड हिज फैमिली किस तरह से रिकी टेडी और उसके फैमिली के साथ मिला ऑप्शन नंबर ए टेडीज़ फादर फाउंड हिम। ऑप्शन नंबर बी टेडीज़ फैमिली ब्रॉट हिम बॉट हिम ऑप्शन नंबर सी रिकी मूव्ड इन टू द बंगलो ऑप्शन नंबर डी वॉश डाउन बाय स्ट्रॉम टू बंगलो। तो टेडी के फादर ने क्या उसे पाया था या उसकी फैमिली ने उसे खरीद के लेके आया था या रिकी खुद ही बंग्लो चलाया था या तूफान ने उसे बंगलो तक पहुंचा दिया तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉश डाउन बाय अ अस्ट्रॉम टू बंग्लो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन वाट स्पेसिस ऑफ स्नेक व नाग एंड नागीना नाग और नगीना किस स्नेक के जाति से बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर ए रेटल स्नेक ऑप्शन नंबर बी एनाकोंडा ऑप्शन नंबर सी पाइथन और ऑप्शन नंबर डी कोबरा तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोबरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आफ्टर रिकी टिकी किल्स नाग यू कैन प्रिडिक्ट दैट रिकी टिकी ने जब नाग को मार दिया उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मान सकते हैं कि क्या हुआ होगा ऑप्शन नंबर ए नगीना विल लीव द फॉरेस्ट नगीना जंगल छोड़ के चली गई ऑप्शन नंबर बी नगीना विल गिव रिकी टिकी अ गिफ्ट नगीना ने रिकी टिकी को गिफ्ट दिया नाग को मारने के लिए ऑप्शन नंबर सी डार्जीज बेबीज विल फाइनली बी सेफ अब डार्जी की बेबी जो है वो सेफ हो गई क्योंकि नाग मर चुका है ऑप्शन नंबर डी नगीना विल ट्राई टू गेट रिवेंज और नगीना अब क्या करेगी रिक्की से रिवेंज बदला लेने की कोशिश करेगी तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नगीना विल ट्राई टू गेट रिवेंज और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रोट रिकी टिकी तवी रिक्की टिकी तवी स्टोरी किसने लिखी ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर बी रूडियार्ड किपलिंग ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डिकेंस ऑप्शन नंबर डी जेके रॉलिंग्स तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूडियार्ड केपलिंग तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच